हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्यास लाइफस्टाइल। और कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ डैंड्रफ के लिए वीडियो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि डैंड्रफ रिमूवर वीडियो बनाइए कुछ, तो या मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज। तो कुछ जान लेते हैं ये डैंड्रफ के बारे में। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ऑयलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप ऑयल डालते हैं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक होने में प्रॉब्लम होगा आपको। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत डैंड्रफ है तो आप ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ऑयल करिए यूज़ जो कि डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करे आपकी। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ टिप्स भी आपको शेयर करूंगी, एंड आपके लिए डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूं मैं। आप यूज़ ज़रूर करिए, एंड अगर आप यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसके लिए टाइम लगेगा, या फिर आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। इससे थोड़े बहुत डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर हमेशा बनी रहती है, तो इसके लिए ये मैं कुछ नहीं गारंटी नहीं दे सकती कि आपको ये हेयर पैक आपको ठीक कर ही देगा। तो चलिए देखते हैं ये हेयर पैक कैसे बनता है। रेमेडी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूं, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए इसका रिज़ल्ट, रिव्यू तो ज़रूर दीजिए। एंड या शुरू करते हैं फिर। मैंने यहाँ पर दही लिया है 3 चम्मच। मैंने यहाँ पर खट्टा दही यूज़ किया है। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप इसमें हाफ लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है विटामिन ई कैप्सूल। मैंने विटामिन ई कैप्सूल लिए हैं 2। एंड आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं इसको। एंड देन मैंने यूज़ किया है कैस्ट्रो ऑयल। अगर आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैस्ट्रो ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैस्ट्रो ऑयल किया है हाफ से थोड़ा सा कम, मतलब कि 5 से 6 ड्रॉप्स ही। तो आप चाहें तो हाफ स्पून या फिर 1 स्पून डाल सकते हैं, आपको जितनी नीड हो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। एंड देन लेना है नीम पाउडर। नीम पाउडर लिया है मैंने 1 से 2 चम्मच। मैंने ये नीम पाउडर घर पर ही बनाया है, आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ से थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है नीम पाउडर। नीम पाउडर आपके हेयर्स के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। मैंने यहाँ पर अभी ऑयल डाला हुआ है, मैंने ओवरनाइट रखा था ऑयल। एंड देन आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो नहीं डाली स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अच्छी एक एक पार्ट करके, अपनी हेयर्स का पार्टीशन करके, आप अच्छे तरह से जड़ों में लगाना है आपको। एंड देन अच्छी तरह से लगाने के बाद आपको कुछ देर तक छोड़ देना है। लगभग मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा था कम से कम। अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 घंटे तक ज़रूर लगाइए बेटर रिज़ल्ट के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपको दही से कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आपको जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप मिनिमम आप कम से कम 45 मिनट तक तो ज़रूर लगाइए। एंड देन इसको वीक में 1 बार अप्लाई करिए। अगर आप वीक में 1 बार अप्लाई करते हैं कंटिन्यू, 1 से 2 मंथ यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एंड देन देख सकते हैं मैंने इसको पार्टीशन करके अच्छे तरह से जड़ों में लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरह जड़ों में ही लगाना है। एंड देन अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप अपने नीचे हेयर्स में भी लगाइए। इससे भी आपकी, इस हेयर पैक से आपकी जो नेचुरल हेयर शाइन चली गई है वो वापस आ जाएगी, एंड आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा।
आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स कितने अच्छे हो गए हैं, मेरे शाइन कर रहे हैं। मेरे में थोड़ा बहुत डैंड्रफ था वो भी जा चुका है। टिप ये है कि अगर आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, आप एक के बाउल या फिर आप बकेट में लेते हैं या फिर किसी में भी, आप जिसमें भी आप अपना शैम्पू वाटर के साथ घोलते हैं, उसमें आधा लेमन या फिर कुछ लेमन्स की ड्रॉप्स उसमें डाल लीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए एंड देन इसको अच्छे से अप्लाई करिए अपने स्कैल्प पे एंड देन वॉश कर लीजिए। अगर आप ये इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको डैंड्रफ रिमूव करने में बहुत हेल्प होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।